व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि एक दिन के अंदर लगभग कितने कदम आपको चलने चाहिए। जी हाँ, हम यहाँ एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ वॉकिंग की बात कर रहे हैं कि कितने कदम की वॉकिंग जो है वो आपके वेट को कम करने में या फिर आपको फ्लेक्सिबल रहने में मदद करती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कितने कदम हमको रोज एटलीस्ट चलने चाहिए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स बाय सोनिया पे, जहां पर आपको रोज मिलते हैं न्यू वीडियोस। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको डेली न्यू वीडियोस से अवगत कराती रहूं। तो चलिए, हेल्दी रहने के लिए जरूरी होता है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो वॉक तो आप कर ही सकते हैं, डेली रूटीन के अंदर उसे शामिल तो कर ही सकते हैं। फिट रहने के लिए आपको एक दिन में कितने कदम चलना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि लगभग एक दिन के अंदर 10,000 कदम चलने की सलाह दी तो जाती है, जो लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नोट है लेकिन, कि हर व्यक्ति का स्टेमिना, उसकी हेल्थ, उसकी एज अलग होती है, फिटनेस लेवल अलग होता है। तो ये एक एवरेज कदम बताए गए हैं, लेकिन हर इंसान के स्वास्थ्य, उम्र और फिटनेस के हिसाब से ही इसको तय करना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से 10,000 कदम चलना अच्छी फिटनेस और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सहायक होता है, ये दिल की सेहत के लिए, वजन घटाने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी होता है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 5,000 या 7,000 कदम जो है वो भी एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है आपके लिए। धीरे धीरे आप कदमों की संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को धीरे धीरे स्टेमिना मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो वृद्ध लोग होते हैं, जिनकी एज ज्यादा होती है, उन्हें कहा जाता है कि 4,000 से 6,000 तक कदम जो है उनके लिए पर्याप्त होते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता जितना जवाब दे, सिर्फ उतना ही उन्हें करना चाहिए। और जो लोग, स्पेशली वो लोग जो अपना वजन घटाना चाहते हैं, ज्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली को ज्यादा एक्टिव बनाना चाहते हैं, उन्हें 12,000 से 15,000 कदम चलने चाहिए। तो यह एक एवरेज लेवल था कि आपको कितना एक दिन के अंदर चलना चाहिए। तो आई होप सो कि यह आपको अपनी माइंड के अंदर कैपेसिटी बनाने में मदद करेगा कि हमको एक दिन में अपना कितना एवरेज बनाना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 5,000 से शुरू कीजिए। 5,000 एक नॉर्मल है, 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य बना करके चलिए। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपको ऑटोमेटिकली आपके जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको काफ़ी मदद करेगा, और मदद करेगा तो प्लीज़ आप भी मेरी मदद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली थॉट के साथ। बाय बाय।